Hello everyone, this is me Wasit Ali and welcome back to my YouTube channel. So after a long time vlog बन रहा है एक और vlog में बड़े gap आते हैं मेरे जब से शादी हुई है vlog बने नहीं पाते और सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज करवा दिया है और आप लोगों को धन्यवाद मेरी तरफ से। और आज एक व्लॉग बन रहा है, शॉर्ट व्लॉग होगा, ये अचानक का व्लॉग है। और व्लॉग में कौन है मेरे साथ, आज किसके साथ व्लॉग हो रहा है मेरा, सो वो भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं जब तक आप इंट्रो देखें। So, हम कहाँ जा रहे हैं आज व्लॉग करने के लिए, हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस निकल गए हैं और एक तरह की लॉन्ग ड्राइव भी होगी है और इंजॉयमेंट भी होगा। तो बहुत टाइम से कोई व्लॉग नहीं हो रहा तो मैंने कहा चलो बाहर आउटिंग कर ही रहे हैं तो व्लॉग भी कर लें। सो मिलाता हूँ मैं आपको कि मेरे साथ कौन है, मैं किसके साथ आज जा रहा हूँ, बल्कि कौन मुझे आज लेकर जा रहा था तो बता दूं या थोड़ी देर बाद बताऊं, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा मगर मैं थोड़ा छुपा रहा हूँ तुम्हें। बहुत टाइम के बाद एक पुराना दोस्त आया है और पुराने दोस्त के साथ आज जाने का मौका मिल रहा है, काफी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। आई गेस कोई हम लास्ट हम मिले थे थोड़े टाइम के लिए, बट अप्रोक्स बताऊं तो हम 2-3 साल के बाद मिल रहे हैं। सो मिलाते हैं आपको कि मेरे साथ कौन है। सो हिबा इज विद मी, हिबा को आप जानते होंगे, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। ये गाइस ये झूठ बोल रहा है, 2-3 साल बाद नहीं, अभी तो मिले थे। वही कह रहा हूँ, अभी हम मेरी शादी से पहले थोड़ा सा मिले थे और वो एक अब इसने शादी कर ली है तो हम क्या करें, परमिशन लेकर आते हैं अपनी बीवी। Anyways, how are you, Hiba? And क्या चल रहा है भाई तुम्हारी लाइफ में? लाइफ में चल रहा है, अभी जैसे गाड़ी चल रही है बस ऐसे ही चल रहा है। तो हिबा और मैं जो है वो बहुत पुराने दोस्त हैं और हम काफी टाइम जो है वो साथ रहे हैं। हमने एक छोटा सा बिजनेस भी जो है स्टार्ट किया था, फिर जो है वो ये इसकी प्रमोशंस हो गई, ये चली गई भाई पाकिस्तान में, उसका दिल नहीं लगता, कभी दुबई कभी मलेशिया कभी बैंकॉक कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। सो आज हमने बोला कि पाकिस्तान आ गई हैं तो आप हमसे मिल लें, तो इन्होंने बहुत मजबूरी के बाद ओके कर दिया और ये देखें ये आज सावित्री बन के आई हैं। सो अभी पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, तो रास्ते के कुछ शॉट दिखाएंगे आपको और कहीं भी हम गए वहाँ पहुँच कर हम आपको वहाँ के शॉट दिखाएंगे। तब तक स्टे विद अस। बहुत सोच समाज क्या बोलते हैं सोचो विचार के हाँ बहुत ही सोचो विचार के बाद फाइनली हम इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि हम जा रहे हैं पोर्ट ग्रैग। रास्ता नहीं मिल रहा ट्रेन का, ये बंद है यार, गाड़ी पीछे लगानी पड़ेगी। चेंजिंग हो रही है यहाँ पर, ये देखें भाई ये देखें गाड़ी का मेरा घर जाता है। बस ये सही तो हम आ गए पोर्ट ग्रैंड और ये है हिबा। हिबा यहाँ पे होती है बोटिंग, बोटिंग एरिया सामने, यहाँ पर जो है वो राइड वगैरह होती है, इसका हमें आइडिया नहीं है कि अभी यहाँ के क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो
मैडम अपना बैग जो है भूल के आ गई थी एयरपोर्ट के अंदर। चले अभी बाहर ही बैठना है, चलना है ना। चलो आ चुके हैं पोर्ट ग्रैंड और हम अभी तक अंदर नहीं गए, बाहर के आपको शॉट दिखाने थे और हिबा मेरे साथ है। अच्छा हिबा, यहाँ आगे एक मंदिर भी है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण, अंदर जाने नहीं देंगे, वो मुस्लिम है ना, तो वो टीका लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हाँ ये लक्ष्मी ना करो, करते हैं ऐसा दूर लगाते हैं ना, लगा के चलते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आसपास के लोगों से हम बात करते हैं, आसपास के लोगों को बोलते हैं। हमने ना एक फाइनली हमने परमिशन ली यहाँ के रेजिडेंशियल से कि हमें मंजिल लेके जाए। इस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण। तो हम आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये हर मंडे को इधर आती है पब्लिसिटी, इधर दूध वो चढ़ा सकते हो शिव पर, सिर्फ मंडे को ही। हाँ सिर्फ मंडे को। और ये हनुमान जी सैटरडे को, सैटरडे को। तो इनका भी कोई टाइम होता है मतलब आप लोग जो सात बजे मंदिया। हाँ देख ये लगा के जाना चाहिए था हमें, लगा के चेक कर लो, एक लगा के चेक कर लो। अच्छा अंकल ये इन्होंने क्या बांधा हुआ है कपड़े, ये करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, करवा चौथ का जो व्रत होता है ये, वो कल ये लेकर अच्छा। हाँ एक नहीं ना, पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। सो श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से हम होकर आए अभी अभी और लाइफ का ये फाइनली मैंने देखना था मंदिर, आज मैंने देख लिया। और आज सब अचानक अचानक हो रहा है, पोर्ट गेट हम अचानक आए, हम अचानक मिले, अचानक मंदिर का भी जाना हुआ और अभी हम अच्छा जा रहे हैं अचानक अचानक सब, है ना। प्री प्लान जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो अभी हम जा रहे हैं पोर्ट ग्रैंड के अंदर, हम लेंगे टिकट, टिकट लेने के बाद हम पोर्ट ग्रैंड चलते हैं अंदर और अंदर के हम आपको व्यूज दिखाएंगे। और स्ट्रेट इधर मुझे क्या पता है। तो भाई हम अब आज तो भाई हमारे साथ बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है आज हमारे साथ, कृपा बताओ क्या हो रहा है आज हमारे साथ। ये हो रहा है कि एक तो हम पोर्ट ग्रैंड के अंदर फ्री में आ गए, बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था हैंडीक्राफ्ट का कोई फेस्टिवल चल रहा है, उन्होंने हमें फ्री पास दिया, कहा आप दोनों को फ्री पास हमारी तरफ से। लगा दिया हिबा डांस डांस। नया नया हो ना, नया इस वीडियो में तुम हो ना, ब्लॉग समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलाक ब्रो चलाक। ये अच्छा यार, अरे वाह।
सो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है नेटी जट्टी का पुल, जिसको सही जबान में कहते हैं नेटिव जेटिव और उर्दू में कहते हैं नटी जट्टी। क्या कहते हैं तुम इससे पहले क्या बोलती थी? नटी जट्टी, इसको कहते हैं नेटिव जेटिव। और वो है सामने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ से हम अभी होकर आए हैं। और ये है किमाड़ी पोर्ट, ये देखें आप, और ये है पोर्ट ग्रैंड। सो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि पोर्ट ग्रैंड जो है, हम पहले बहुत आते थे, फिर ऐसा हुआ कि पोर्ट ग्रैंड में रोज़ ही एक ही किस्म का फेस्टिवल हो रहा है, एक ही किस्म का जो है वो सिंगर्स आ रहे हैं, एक ही गाने डेली डेली, तो फिर हमने पोर्ट ग्रैंड आना छोड़ दिया। तो आज पोर्ट ग्रैंड हम तबरुकन आ गए, और आते ही पता चला कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, सिंध फेस्टिवल, तो हम आ गए, आगे पता चला। और मज़े की बात यह है कि हमें पासिस भी जो है उन्हीं की तरह से दिए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री हुई हमारी। और सो अभी तक तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, रात में कोई फेस्टिवल, थोड़ा सा वो फेस्टिवल हम इन्जॉय करेंगे। हमारा मकसद आपको पोर्ट ग्रैंड दिखाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम बहुत टाइम बाद मिले हैं, तो हम आपस का जो है वो जो थोड़ा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं वो आपको भी दिखाएं। और अभी क्या होने वाला है ये व्लॉग के बाद, लोग क्या बोले कि हम अकेले आए हैं घूमने? सो अभी हम नीचे उतरेंगे, और अभी नीचे उतर के हम पियेंगे चाय, चाय कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे, और रिफ्रेशमेंट करने के बाद क्या करेंगे वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा आज हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या हो जाए, क्यों एबा ऐसा ही है ना एबा। क्या हुआ अभी, क्या हुआ है आपके साथ हैं? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे याद भी नहीं करता। अच्छा यार, हाँ फेंकू मेरे कपड़ों पे गिरा हो। ओहो सॉरी सॉरी ब्रो। ये कहाँ गिरा, नीचे गिरा था? तो ये क्यों यहाँ पे रखा हुआ? पहले मुझे वो खाना, एक्साइटेड थी मैं ये खाने के लिए, ये मैंने देखा था कभी, मैंने खाया नहीं, ट्राई नहीं किया कभी। क्रेविंग हो रही ना आप लोगों को, होने दो। वो देखो देखो, उसका भी दिल कर रहा है, वो देखो जो देख रहा हूं मैं। दिल तो करना भी चाहिए। ये जो चीज है ना, ये जो इसको, ये है भाई समोसा तरकारी, समोसा तरकारी, समोसा तरकारी, समोसा तरकारी। मैं नहीं, मैं सोच रही थी समोसे के साथ तरकारी होगी। ओ, ओ, तो छुप गई है। समोसे के साथ तरकारी, समोसे के साथ तरकारी होगी, मैंने कहा कोई चटनी वटनी टाइप, लेकिन ये तो क्या तरकारी है, हट बेकारी, हट हट बेकारी। Thank you.
क्या क्या लेना है तुझे? देखो मानो ये देख मेरे रिश्तेदार अरे पूरा ही खानदान है बे। पहले उनको डाइस चेक करने दो। अच्छा ये गेम्स हैं, ये इस पे आपको जो है वो डाइस कितने डाइस हैं? 8 डाइस हैं सर। 8 डाइस हैं और 8 डाइस को जो है आप इसमें थ्रो करेंगे और जो नंबर आएगा वो इनमें से कोई एक होगा तो वो मिलेगा। शिबा तुम कर रही हो? कैमरे लगे हुए शिबा तो फिर मैं अगर चलो मुझे टैडी चाहिए। टैडी नहीं निकला, मोबाइल तो निकल ही जाएगा भाई। सलाम दो ही होती है। ओके सो हिबा ट्राइंग सब इसी पे लिखा हुआ है। अच्छा आईफोन एक्स भी है भाई, अगर 48 आते तो मतलब 8 के 8 डाइस के अंदर 6 सेट्स ऑफ 48 तो आ ही नहीं सकता, नामुमकिन नहीं है। परसों इधर इस लेडीज़ ने, हमारे पास जो स्टाफ है उन्होंने परसों आईफोन एक्स निकाला है। उन्होंने क्या निकाला? लेडीज़ ने खेला तो उसका निकला। क्या बात है यार, 7 साल हो गए मुझे खिलाते हुए, 47 नंबर तक तो आ चुका है। वाह यार 47 नंबर तक तो आ चुका है पर 48 अच्छा तक नहीं। अच्छा रेडी अच्छा जो भी होगा नाम आप देंगे ना? नहीं खेला मैम, टाइम ना अब हमारा। अरे यार इस आदमी का स्टाइल देखें, जैसे ये बहुत बड़ा ईमानदार इंसान है। अगले क्लिप में देखा जा सकता है कि किस तरीके से हिबा जब डाइस कर रही है तो उन डाइस को किस तरीके से ये स्कैम कर रहा है। मतलब आप इतना तो कंफर्मेशन होगा ना? चलिए बात नहीं एक्चुअली मसला आप देखें, गुस्सा हो रहा है। कोई मेला नहीं है जो यहाँ पे स्कैम हो जाएगा, ये पॉट ग्रैंड है, ब्रांड है इसका। चलो हिबा चल लाहौर से आप लग नहीं रहे हो। चलो रेडी आप खेलो आप चल तेरे ओए बड़े नंबर आए। ये देखिए और अगर आप इसे काउंट करें तो कितने बनते हैं, चलें काउंट करते हैं। तो ये बनते हैं टोटल 40। अब देखें किस तरह अगले क्लिप में ये आदमी 40 को 39 करेगा। ये देखें जी 6 6 12 6 18 18 4 24 हो गए, 24 4 28 हो गए, 28 3 39 और ये 39। क्या 39? एक मिनट ऐसे 39 पे क्या है आपका परफ्यूम? 40 में आपको बहुत था, पहले 41 में आपका डेमो है था, अब 39 में आपका। अबे यार एक नंबर से देख, वो जो आपके जो 2 आया हुआ था ना वो अगर 3 बन जाता 40 पे आपका टेडी बेयर आ जाता। सर गाइस उठा देंगे मुझे आप मुझे 3 दफा है बनना ट्राई। सो वंस अगेन चल हिबा अभी टेडी निकाल ले। चल आपको निकल जाना चाहिए। 6 4 5 6 4 10 हो गए, 10 5 15 हो गए, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 4 29। अब तो वही बात हो रही है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर कटे। सो पोर्टगेंड हम आ गए बाहर, हमने एंजॉय किया है और एज यूजुअल पोर्टगेंड हाँ इसने परफ्यूम जीती है भाई। टेडी के चक्कर में इसको टेडी चाहिए था वो नहीं मिल सका, बट ये है कि इसके लक में परफ्यूम था, हमने परफ्यूम जीता। तो अभी हम वो निकला था उन्होंने जल्दी से घुमाया। अच्छा वो व्लॉग में आप देखिएगा उसको दोबारा ना, उसको थोड़ा पॉज करके देखिएगा हमारे कितने काउंट आए थे। सो टेडी बेयर था, उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ से उसने घुमाया टाइल्स को और नंबर चेंज नहीं, स्कैम हुआ है हमारे से, स्कैम हुआ है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं जा रहे हैं कहीं और। सो वहाँ पहुँच कर फिर हम आपको वहाँ के शॉट दिखाएंगे, स्टे विद अस।
फाइनली कहाँ हैं हम? फाइनली वापस आए। नेक्स्ट कब मिलना है आपने ये बताएं? इस साल में दिल नहीं लगता। बारबेक्यू पार्टी करेंगे ना? हाँ बारबेक्यू पार्टी करते हैं। ईद में भी बहुत कम टाइम रह गया है, सो गाइस एडवांस ईद मुबारक सबको, क्योंकि इसके बाद मैं शायद इसके व्लॉग में ना मिल पाऊँ आप लोगों को, ईद के बाद मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। सो सबको महिबा की तरफ से और मेरी तरफ से भी ईद मुबारक एडवांस में, और मिलेंगे इंशाल्लाह हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम बारबेक्यू पार्टी में मिलेंगे किसी भी रूफ टॉप में। दरअसल मसले होते हैं बारबेक्यू पार्टी में जो है रूफ टॉप नहीं मिलता, ऐसा ही है ना। सो थैंक यू सो मच हिबा, आज आपने इतनी अच्छी ट्रीट कराई, आपने पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी। बारबेक्यू तो मुझे वो मामू वाला याद, मामू वाला, मामू अगर मामू ये व्लॉग देख रहा है तो मामू बारबेक्यू आपका वाला याद आ रहा है हिबा को, और होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और ये कॉपीराइट लगने वाला है मेरे व्लॉग में। सो फाइनली पोर्टलैंड के बाद हम यहाँ आके बैठ गए हैं वेगस पे, और अभी हम करेंगे कुछ खापा और व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा हमारे इस व्लॉग को, छोटा सा व्लॉग था बट आपने इन्जॉय किया होगा। सो फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और जगह के साथ और नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए